मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माई नेम इज अभिषेक कुमार जैन एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल मुझे पी एस आई ऑप्शनल में वन ऑफ द हाइएस्ट स्कोर मिला है इस साल का जो मेरा स्कोर है वो है टू एटी एट मार्क्स टू एटी एट मार्क्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू यू पी एस सी इसमें भी आप देखोगे पेपर वन के अंदर आई स्कोर वन फिफ्टी मार्क्स एंड पेपर टू के अंदर आई गोट वन थर्टी एट मार्क्स जो पेपर वन वाला पार्ट आपको विजिबल है या आउट ऑफ टू फिफ्टी है सोचो यूपीएससी के अंदर सिक्सटी परसेंट स्कोर करना एक एक्सेप्शनल चीज़ होती है और ये सिमिलर सिर्फ ट्वेंटी ट्वेंटी टू के अंदर ही नहीं है ये स्कोर है ट्वेंटी ट्वेंटी टू का सिमिलरली बेसिकली ट्वेंटी ट्वेंटी वन में भी मुझे पी एस आर ऑप्शनल के अंदर पेपर वन के अंदर वन फोर्टी नाइन मार्क्स मिले हैं तो आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली आई स्कोर्ड वन फिफ्टी मार्क्स इन पेपर वन और पेपर टू के अंदर वहाँ पर भी मुझे वन ट्वेंटी फोर मार्क्स मिले थे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि पी एस आर ऑप्शनल को कैसे अप्रोच कर सकते हैं कैसे आप भी वन ऑफ द हाइस्ट स्कोर अचीव कर सकते हो बहुत अच्छा ऑप्शनल है लिंकेजेस भी काफी सारे हैं लिंकेजेस का मतलब आपके जी एस सब्जेक्ट के साथ आपका जी एस टू पेपर आपका जी एस फोर पेपर आपका ऐसे पेपर सो so, देखो कैसे अप्रोच करेंगे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को यहाँ पर जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको दो पेपर देखने को मिलेंगे पेपर वन और पेपर टू ईच पेपर विल कंटेन आपका टू फिफ्टी मार्क्स का पेपर होगा तो टोटल मिला के ऑप्शनल का स्कोर होता है आपका फाइव हंड्रेड मार्क्स इतना बड़ा वेटेज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा पेपर टू भी सिमिलरली आपका बेसिकली टू फिफ्टी मार्क्स का होगा थ्री आवर्स का टाइमिंग होता है फॉर बोथ द पेपर सेपरेटली अब पेपर वन के अंदर भी बेसिकली आपके दो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे पार्ट ए एंड पार्ट बी नाउ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैसे स्कोर किया जाए कैसे अप्रोच किया जाए तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पार्ट ए जो आपका एक स्टेटिक पार्ट है जहां पे आप स्टडी करोगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में जहां पर आप स्टडी करोगे पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में जहां पर आप स्टडी करोगे बेसिक कॉन्सेप्ट इक्वालिटी क्या होता है जस्टिस क्या होता है डेमोक्रेसी क्या होता है तो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आप यहां पर स्टडी करते हैं लेकिन आप देखना यहाँ पर स्कोर करने के लिए कैसे बेसिकली आप स्कोर कर सकते हैं तो पी एस आई आर के जब अपन पार्ट ए की बात करते हैं सबसे पहले पार्ट ए के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको स्कोर करने के लिए फर्स्ट पॉइंट होता है आपका इंटर लिंकेजेस जितने अच्छे इंटर लिंकेजेस होंगे उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे अब आप बोलोगे सर इंटर लिंकेजेस का मीनिंग क्या होता है इंटर लिंकेजेस का मीनिंग है फॉर एग्जांपल आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस से आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस को लेके अब एक स्टूडेंट होगा जो डायरेक्टली क्या लिख देगा प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में लिख देगा उसके क्रिटिसिज्म लिख देगा उसको एंड कर देगा उसमें मार्क्स मिलेंगे आप सोचो उनको उसमें दस में से साढ़े चार मार्क्स या चार मार्क्स मिल रहे हैं और अगर आपको चाहिए सिक्सटी परसेंट मार्क्स मतलब साढ़े पांच नंबर छह नंबर तो आपको कुछ एक्सेप्शनल करना पड़ेगा तो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस अपन से पूछा है मैं इसको लिंक करूंगा प्लेटो के साथ साथ क्योंकि प्लेटो का जो डिसिपल है एरिस्टोटल एरिस्टोटल ने भी अपना कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस दिया तो एक पैराग्राफ के अंदर मेरा प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस लिंकेजेस होगा एरिस्टोटल के साथ भी साथ में ही हमारे सिलेबस के अंदर एक और थ्योरी ऑफ जस्टिस है जिसका नाम है रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस तो साथ में मैं थोड़ा सा लिंक

यहाँ पर आप देखोगे आप देखोगे इतना बड़ा सिलेबस है कैसे उसको अप्रोच करें, तो आपको एक समराइज नोट्स बनाने होंगे तो आप एक अप्रोच फॉलो कर सकते हो अच्छे मार्क्स लाने के लिए हर चीज के छोटे छोटे चार्ट बनाइए चार्ट का मतलब क्या होता है ये आपको बेसिकली अपने नोट्स की मेकिंग की तरह बनाना है ताकि आपको लास्ट में सारे कीवर्ड्स रिमेंबर रहे सारी चीज़ों को आप एक साथ ला सके तो फॉर एग्जांपल बेसिकली आपको चार्ट बनाना है जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई सा भी आपका कॉन्सेप्ट है जिसका आपको चार्ट बनाता बनाना है फॉर एग्जाम्पल गांधी जी की आप फिलोसॉफी पढ़ रहे हो जो आपसे पूछी जाती है फॉर एग्जाम्पल नॉन वायलेंस पे आपको चार्ट बनाना है तो आपका चार्ट कैसे बनेगा कि नॉन वायलेंस का जब भी क्वेश्चन आया उसका इंट्रोडक्शन आप लोग क्या दोगे तो फर्स्ट चीज होगी इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो कि गांधी जी नॉन वायलेंस को क्या बोलते हैं कोई कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या है नॉन वायलेंस को बोलते हैं अहिंसा तो वो क्या बोलते हैं अहिंसा बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स अहिंसा बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन्स और हिंसा बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स तो ऐसे कुछ भी कोटेशन वगैरह आप निकाल सकते हो स्टार्टिंग में अपने पास रख सकते हो कि हिंसा बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स बोर्ड पे लिखा मैंने कि हिंसा किससे रिलेटेड है एनिमल्स से और अहिंसा किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमंस का बिलोंग्स टू द वर्ड ऑफ एनिमल्स से कुछ भी कोटेशन आप दिखा सकते हो ये आपका पूरा हो गया फिर आप इसको एलोंगेट कैसे करोगे तो नॉन वायलेंस की आपको दिखानी है सेकेंड चीज़ पे डायमेंशंस तो डायमेंशंस का मतलब गांधी जी ने नॉन वायलेंस को कैसे दिखाया है तो आप दिखा दो पर्सनल लेवल पे गांधी जी नॉन वायलेंस को कैसे करेक्टराइज करते हैं तो आप दिखा दो इसको जोड़ते हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट से इसको जोड़ते हैं वो ट्रूथ से इसको जोड़ते हैं बेसिकली वो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब आपकी स्पीच आपकी थॉट और आपकी कंडक्ट तीनों के बीच का सिंक्रोनाइजेशन यहां से गांधी जी इसको रिलेट करते हैं फर्दर बेसिकली वो इसको जोड़ देते हैं रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ से तो ये पर्सनल लेवल पे हो गई फिर यहाँ पर दिखा दो पॉलिटिकल लेवल पे आपके लिए बेसिकली नॉन वायलेंस क्या है पॉलिटिकल लेवल पे या कलेक्टिव लेवल पे गांधी जी के लिए क्या है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है जैसे उन्होंने सत्याग्रह को फॉलो किया ये उनके लिए बेसिकली प्योरिटी ऑफ मीन्स भी है इस तरह से बेसिकली आप यहाँ पर दिखा सकते हो बोलने का मतलब ये है कि यू हैव टू मेक की ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने बेसिकली जितने भी हमारे टॉपिक्स तो है एग्जाम्पल एक एक दिया ऐसे ही आपको जैसे कि जॉन लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है प्लेटो का बेसिकली अलग अलग कॉन्सेप्ट है तो छोटे छोटे चार्ट सबके प्रिपेयर करने पड़ेंगे जस्ट एक चार्ट हुआ इस चार्ट के बाद फर्दर बेसिकली जो आपका चार्ट बनेगा डायमेंशन के बाद बेसिकली आपको बताना पड़ेगा इसकी रिलेवेंस क्या है कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है वेलनेस के बेसिकली आपको पॉइंट्स देने पड़ेंगे उसके बाद बेसिकली आपको दिखाना पड़ेगा कुछ भी क्रिटिसिज्म हो कहीं पर भी बेसिकली आप वर्ल्ड वाइड इसके एग्जांपल्स दे सकते हो और लास्ट में बेसिकली आपका कंक्लूजन तो पूरा का पूरा आंसर आपका पहले से ही तैयार होगा जब आपके नोट्स इस टाइप से बने होंगे ना मैंने आपको बोला कि मैंने 150 स्कोर किया तो इसके पीछे का रीजन है मेरे बहुत समराइज्ड नोट्स आप सोचोगे कि मेरे पास ऑप्शनल के एक पेपर को 50 पेजेस में मैंने समराइज कर दिया उन 50 पेजेस को मैं कभी भी दो घंटे के अंदर रिवाइज कर सकता था तो जितना ज्यादा रिवीजन उसका होगा उतना ही ज्यादा मार्क्स आप पर स्कोर कर पाएंगे तो ऑप्शनल में आपको लगता है इतना बड़ा ऑप्शनल है इतनी सारी बुक्स से कैसे करेंगे जितना समराइजेशन अपन कर सकते ना उतना समराइजेशन आप करोगे तो बहुत बेटर हो जाएगा तो पेपर वन का पार्ट इजिली अप्रोचेबल है यहाँ से सिमिलरली पार्ट बी जो आता है ऑप्शनल का लगता है कि ये तो पॉलिटी से जुड़ा हुआ है वो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है उसको ऑप्शनल की तरह कैसे लिखें तो ऑप्शनल की तरह लिखने के लिए भी उसके बहुत सारे अप्रोचेज होती है जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में लगातार बताता रहूंगा तो आप देखोगे ऑप्शनल में अगर आपको स्कोर करना है ठीक है एक जनरल बुक लिस्ट के अलावा आप देखोगे कि ऑप्शनल के अंदर आपको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग चाहिए आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का मतलब किस तरह से आप एक डिबेटेबल यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ पॉलिटिकल साइंस के आंसर्स की आपके आंसर्स कैसे होने चाहिए पीएसआईआर के जो आंसर्स होने चाहिए वो डिबेटेबल फॉर्म में होने चाहिए जिसको अपन बोलते हैं डायलेक्टिकल अप्रोच ध्यान रखना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायलेक्टिकल अप्रोच का मतलब आपके आंसर्स एक डिबेट फॉर्म में होने चाहिए क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल साइंस में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट तो क्या है डिबेटेबल 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 इक्वालिटी क्या क्या है है का मतलब है? अलग अलग स्कूल थॉट्स ने अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया है तो हमें भी ऐसे ही दिखाना है जैसे मान लो कोई भी कॉन्सेप्ट है कि उसको लेकर बेसिकली लिबरल्स क्या बोलते हैं उसको लेकर बेसिकली आपके मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं उसको लेकर बेसिकली आपके फेमिनिस्ट स्कॉलर क्या बोलते हैं उसको लेकर बेसिकली आपके पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कॉलर क्या बोलते हैं तो आपके आंसर के अंदर एक डिबेट दिखनी चाहिए और जैसे ही आपके आंसर के अंदर डिबेट दिखेगी एग्जामिनर आपका समझ जाएगा कि कि आप उसका मीनिंग समझते हो आपको पता है कि अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट के अंदर वो कैसे इवॉल्व हो रहा है आपको उसके पॉजिटिव्स भी पता है आपको क्रिटिसिज्म भी पता है कि किस थॉट उसको क्रिटिसाइज करती है और क्यों क्रिटिसाइज करती है तो रीजन भी आपका पता होना चाहिए तो इससे क्या होगा आपके आंसर्स की क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी बट ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी ये वन डे का टास्क नहीं है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो धीरे धीरे बेसिकली आपको इवोल्व करेगी और इस इवोल्यूशन से बहुत बेहतर मार्क्स ला सकते हो आपका ट्राई होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप देखोगे थोड़े सालों पहले 2015-16 के आसपास पास साढ़े तीन सौ तीन सौ सवा तीन सौ स्कोर जाते थे बट पिछले एक दो सालों से पॉलिटिकल साइंस में स्कोर्स रेस्ट्रिक्ट कर दिए उन्होंने आप देखोगे 300 तो कुछ चुनिंदा लोग पहुंच पाते हैं तो आप यहाँ पर अगर आपका स्कोर 290, 300 के आसपास आ रहा है तो आप एक एक्सेप्शनल स्कोर की तरफ इसको ले जा पा रहे हो और इसकी हेल्प से एक और चीज़ बता देता हूँ इस ऑप्शनल की हेल्प से आप जी में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो जी में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो और एथिक्स पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो और साथ जी एस तो आपका एथिक्स पेपर हो ही गया और ऐसे पेपर ध्यान रखना एक और चीज़ बता देता हूँ ऐसे पेपर में अच्छा स्कोर क्यों होगा क्योंकि इतने सारे थिंकर्स को आप पढ़ चुके होते हैं इतने सारे थॉट्स होते हैं आपके पास और जब फिलोसॉफिकल ऐसे आपके पास आएगा तो कभी कंटेंट की कमी नहीं आएगी कभी थॉट्स की कभी आइडियाज़ की कमी नहीं होगी तो ऐसे पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है जी एस फोर एथिक्स में मैंने आपको बोला बहुत सारे फिलोसफीज को लिंकेजेस दे सकते हो बहुत सारे आइडियाज़ को समराइज़ कर सकते हो बहुत सारे से को रिलेट कर सकते हो तो वो भी यहाँ पर होता है और जी एस टू तो पूरा का पूरा पॉलिटिक का पार्ट आई आर का पार्ट यहाँ पर है तो आप देखोगे भले ही सिलेबस देखने में बड़ा लगता है बट लिंकेजेस काफ़ी सारे हैं तो ऑप्शनल काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं काफ़ी डायनेमिक ऑप्शनल है तो इसको आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करो एक स्ट्रेटेजी बना के प्रिपेयर करो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू